तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे रोमांचक पहला टेस्ट मैच। अब रोहित कोहली की जोड़ी लाएगी अफ्रीका की शामत, तो आखिर कब और कहां पर खेला जाने वाला है ये रोमांचक मुकाबला, कितने बजे से होने वाली है हिंदुस्तान में इस मैच की शुरुआत, आखिर किन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रोहित ने दिया है प्लेइंग 11 में मौका, किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में उतरेगी अफ्रीका की टीम, किसके हक में रहेंगे परिस्थितियां, गेंदबाज मचाएंगे धमाल या बल्लेबाजों का रहेगा तांडव। इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट के साथ मौसम का हाल भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया क्या ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जहां टीम इंडिया का दबदबा जारी है। T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने और वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब मौका है टेस्ट मैचों में धमाल मचाने का। और सीरीज की सबसे खास बात यह है कि भारत के सीनियर खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक महीने से भी ज्यादा लंबे ब्रेक के बाद एक्शन में नजर आएंगे। एक बार फिर से कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका को नजर में रखते हुए दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं भारतीय टीम इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका में इस बार टीम इंडिया के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका है। दरअसल दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना रहा है, जहां टीम इंडिया ने आज तक कभी भी साउथ अफ्रीका को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में नहीं हराई है, और ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में इतिहास रचने का मौका एक बार फिर से मिला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज को आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेबसाइट पर या ऐप पर इस पूरे सीरीज को आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी ओर बात करें समय के बारे में, तो ये पहले टेस्ट मैच का प्रसारण भारतीय समय अनुसार 2:30 से होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम की परिस्थितियां भी पूरी तरीके से अफ्रीका के पक्ष में रहने वाली हैं। सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम के पिच ग्रीन है, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की सभी पिचों पर गेंद बाउंस होती है उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्राउंड पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा, इस लिहाज से टॉस जीतने वाले कप्तान को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए। वहीं इस मैच में खतरे की घंटी भी बज रही है। सेंचुरियन में रविवार को मैच के पहले दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना 25% है। सोमवार को भी बारिश की संभावना है और मंगलवार को तेज बारिश के आसार हैं, जो कि बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। तेज हवाओं के बीच गेंद हवा में और अतिरिक्त हरकत करेगी, यानी कि दोनों टीमों के पास जहां क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले को और रोमांचक बना देता है। तो अब जरा एक बार दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर अगर नजर डालते हैं, तो जहां अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम कप्तान थेम्बा बावुमा, एडन मार्करम, टर्स्टन स्टब्स, डीन एल्गर और जोनी दे जॉर्ज जैसे खुखार खिलाड़ियों से सजा हुआ है, वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में उनके पास मार्को यांसेन और नांद्रे बर्गर जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। वहीं गेंदबाजी में भी जेराल्ड गोएचे, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी और कगिसो रबाडा भारतीय खिलाड़ियों पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। और अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें, तो रोहित शर्मा अपनी टीम को जीत दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अब प्लेइंग 11 में 4 अपने ऐसे पसंदीदा खिलाड़ियों की एंट्री कराई जिनका नाम ही अफ्रीका को खौफ में डालने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, तो मध्य क्रम में जिम्मेदारी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के मजबूत कंधों पर सौंपी जाएगी। जहां किंग कोहली से लंबे समय बाद टेस्ट मैच में शतक की उम्मीद भी हर कोई लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यदि उनका बल्ला चला तब तो हमारी जीत सुनिश्चित है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में यमन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन को कप्तान रोहित शर्मा सौंपने वाले हैं। जहां एक बार फिर जडेजा और अश्विन उनके सबसे बड़े हथियार होंगे, तो शार्दुल ठाकुर को अपने ट्रंप कार्ड के रूप में रोहित शर्मा मैदान में उतारने जा रहे हैं, जहां उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी का बखूबी इस्तेमाल टीम इंडिया के हक में जा सकता है। तो वहीं तेज गेंदबाजी क्रम में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11 भी काफी खतरनाक है। रोहित शर्मा इस मिले मौके पर बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में इस बार तो टेस्ट मैचों के रोमांच में इतिहास निश्चित ही लिखा जा सकता है। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है इस पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब रोहित का बल्ला दहाड़ता है तब उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिला जब हिटमैन ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जगाकर
रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दे तो उनका साथ निभाते हुए विराट ने भी अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दंग है। तो आखिर कैसे इन दोनों ने पहले ही दिन लिख दी है टीम इंडिया की जीत की कहानी, कैसे उन्होंने पहले दिन ही 600 से भी अधिक रन बनाकर अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और विराट में कौन है सबसे बड़ा मैच विनर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों T20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बादशाहत के बाद बारी है टेस्ट क्रिकेट में इतिहास से रचने की। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका सफेद कपड़ों में पहले टेस्ट मैच के लिए सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में उतरी थी। मैदान में फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था, दोनों टीमों के फैंस अपने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे और इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद मैंने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर रोहित के साथ शुभमंगल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी और दोस्तों जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमने कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हाँ, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद जमाने के बाद इन फिर दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रबाड़ा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट डाइव से चौका बटोर कर अपने तेवर दिखाने अफ्रीका को शुरू कर दिया और इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया, फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। हालांकि दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाज इस मुकाबले में आग उगल रहे थे, कैगिसो रबाड़ा अलग ही फॉर्म में लग रहे थे और इसी के चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप निभाई थी। केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ अर्धशतकीय की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर मात्र 166 रन बनाए। हालांकि टेस्ट मैचों के हिसाब से रन बहुत होते हैं लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद अपने बल्ले से ताड़ना मचा दिया। जी हां दोस्तों, मैदान में उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपनाया और उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल केशव महाराज की फिरकी फंस गए और LBW आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 94 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। मैदान में भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी जहां अफ्रीका को लगा था पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे और इस बार ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे तो वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने लुंगी अंगड़ी की 4 गेंदों पर 3 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देख करके रोहित जहां दंग रह गए थे तो वहीं अफ्रीका के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अफ्रीका के नाक में दम कर दिया और चाहे तक उन्हें अफ्रीका का कोई भी और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 371 रन बना लिए तो वहीं किंग कोहली 89 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जवाब तो कप्तान रोहित ने दिखाया था। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर पर भी पहुंचे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने ही अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा छुआ जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई और विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित ने कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों में पूरा किया जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया के दिल और धड़कन ने तो अफ्रीका की शामत ला दी। कप्तान रोहित ने बेहतरीन दोहरा शतक लगाकर एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवाया और इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 620 रन तक पहुंचा दिया, जो अफ्रीकी धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर अफ्रीका को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 267 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 19 बेहतरीन चौके भी लगाए। अपने रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। वहीं विराट ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 168 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौकों और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। वहीं कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने भी 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका तो अभी यह मुकाबला जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया का यह पहला टेस्ट मैच जीतेगी, कौन बनेगा पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।